इंडियन प्लेयर इज प्लेइंग एज अ सेंटर फॉरवर्ड एनी तो मतलब आप अगर आई की टीम्स उठा के देखिएगा तो आपको कहीं भी एक इंडियन स्ट्राइकर स्टार्ट करते तो नहीं देखेगा और ऑब्वियसली सो so, अब क्लब्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लब्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टाइटल जीतना उनको भाई अपने क्लब को बेहतर बनाना है कोई भी मैनेजर आता है तो क्या उसका ओनर उस मैनेजर कहता होगा बेटे आज इस साल ना तुम मुझे पांच यंग प्लेयर्स निकाल के देना कन्वर्सेशन क्या होती है आमगोना मेक यू वेन दी आई एस एल टाइटल आई एस एल शील्ड मैं तुम्हें एसीएल में खिलाऊंगा आई कैन बैट यू

हमारे इंडियन प्लेयर्स हमारे इंडियन स्ट्राइकर्स आईएसएल की टीम में स्टार्ट नहीं करेंगे यू विल नेवर फाइंड अ नेक्स्ट सुनील छेत्री तो अगर बात किया जाए इंडिया में वो कौन से स्ट्राइकर्स है जो कि पोटेंशियली सुनील क्षेत्र के बाद खेल सकते हैं हमारे पास एक जो हमारी टीम में ऑलरेडी खेलते हैं मनवीर सिंह बिकॉज वो डायरेक्टली एक स्ट्राइकर है उनको राइट विंग बैक पे खिलाया जाता है उनका तो रोल ही पूरा क्लब ने बोड़ दिया उनको राइट विंग बैक खिला दिया इंडियन टीम पर भी वो राइट विंग बैक खेलते हैं उनकी सिनारियों अलग है कितने बार मनवीर को आपने स्ट्राइकर खेलते देखा है बहुत ही कम बार ठीक है बट ही कुड कु वन ऑफ दोस गाइज जो कि कैन प्ले दैट स्ट्राइकर रोल उनको किनार रखते हैं हमारे पास रहीम अली है जिनको आपने ऑलरेडी देख रखा है खेलते हुए है ना इसके बाद हमारे पास ईशान पंडित आते हैं सिवाशक्ति आते हैं गुरकीरत आते हैं पार्थिब गोगई जो कि वो तीनों पोजिशन पर सकते हैं सो देर आर ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स बट कितने बार आप लोगों ने इन प्लेयर्स को रेगुलरली स्टार्ट करते देखा है एक बात मैं आपको बता दूं कोई भी प्लेयर को नेशनल टीम में सिलेक्शन आने के लिए उस बंदे को ना मिनिमम 10, 20, 30 गेम खेलने चाहिए ऑनेस्टली कोई एक प्लेयर पांच अच्छे मैचेस खेल के डायरेक्टली नेशनल टीम में कॉल अप नहीं नहीं पा सकता गलत है बिकॉज बंदे को नहीं एक्सपीरियंस है तो अगर एक 19 साल का प्लेयर है उसने पांच छह मैचेस अच्छे खेल डाले बहुत कम चांस है भाई कि उसको कॉल अप आएगा क्योंकि पहले तो इन एक्सपीरियंसड है और ये जो खास कर रही बात हमारे स्ट्राइकर्स की तुम किसी भी टीम को उठा लो मुंबई सिटी ले लो तुम केरला ले लो केरला पर दिया मानती खेलते हैं एस ए स्टार्टर तो वो इवान वो को मानोविच ही इज अ ग्रेट कोच मेरा वन ऑफ माय फेवरेट कोच है एंड ही हैज डेवलप्ड प्लेयर्स बट ही हैज नॉट इंप्रूव ईशान पंडित वो दिया मनता तो कौस को खिलाएगा अब गलती कहाँ है पता है सबसे बड़ी सबसे बड़ी गलती है कि हमारे पास लीग में से 12 टीम है 12 टीम है तो हम कितने मैचेस खेल पाते होंगे 22 मैचेस हम खेलते हैं अब 22 मैचेस में भाई

हमने सोच रखा है कि 16 टीम्स आ जाएगी इसको पैक कर देंगे यहां से प्रमोशन और रिलीगेशन करेंगे तो जब 16 टीम्स आप यहाँ पे कप डाल दो एक प्लेयर 40, 45 खेल सकता है क्लब लेवल पे एंड वुड बी गुड पर यह कब तक होगा चार साल बाद क्या आप और मैं फोर इस का पेशेंस रख सकते हैं ये पाथवे है, हमें जाना है कल नहीं इंप्रूव कर देंगे हम कल नहीं आपको दूसरा सुनील छेत्री मिल जाएगा कल पार्थिव गोगोई खेलने तो वो पैट्रिक नहीं मार देंगे और सुरेश का लेवल टॉप नॉच है इनका लेवल है तो प्ले दीस टीम्स। और भाई पिछले उस बैग के मैच में अपूया बारह किलोमीटर भागा सुरेश ग्यारह किलोमीटर भागा महेश दस किलोमीटर भागा ये प्लेयर्स एफर्ट दे रहे हैं बारह किलोमीटर एक नब्बे मिनट के मैच में भागना बड़ी बात होती है इगोस्टी मैच कहते हैं ये जो दो क्वालिटी प्लेयर्स

हमारे पास पिच पे 11 प्लेयर उस लेवल पे होने चाहिए कोच हमारे कहते हैं कि भाई सुनील छेत्री टॉप स्ट्राइकर है वो डिजर्व करते हैं स्टार्ट करना बट उनको प्रोवाइड कौन करेगा बॉल हमें छेत्री को बॉल प्रोवाइड करनी है

एटीज़ का समय था उनको रिलायज हो भाई फुटबॉल में कुछ है यार मज़ेदार है कुछ चीज है यार उनकी टीम बनी है तो उन्होंने उस टीम को ना काफ़ी अच्छे से फुल फ्लेजेड उन्होंने सपोर्ट किया उनकी टीम ने अच्छा करना स्टार्ट किया अब उनको रिलायज़ हो चलो यार ये फर्स्ट टीम तो बन गई है ये पाँच साल बाद तो भाई ये बनडे बुढ़े हो जाएंगे खेल नहीं पाएंगे कहाँ से बैकअप करोगे इनको तो तो उन्होंने ना अपने यूथ पे फोकस करना स्टार्ट किया उन्होंने ना अपनी यूथ डिवीजन टीम्स बनाई जे वन लीग जे टू लीग जे थ्री लीग बाबा ये तीनों लीग जो है ना आपके आईएसएल से बेहतर है J2, J3 की लीग स्टिल आई से बेटर है क्योंकि इनकी जो कंपटीशन है जिस लेवल के प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं जिस लेवल की इनके पास प्लेयर्स के अब टैलेंट है बहुत तगड़ा है मैं झूठ नहीं बोल रहा तुम देखना चेकआउट करना खुद से सो हेयर कम्स द थिंग जब उन्होंने एटीज नाइन्टीज़ में ये बात रियलाइज़ की उनको सक्सेस कब मिल रहा है उनको सक्सेस मिल रहा है बाबा अब भी 2023, 2024 जापान अब जाके एक ग्लोबल एक मॉन्स्टर ऑफ अ टीम बने जो कि 11 मैचेस से अनबीडन थे उनको अभी हरा है, इराक ने और इराक की स्टोरी अलग वो भी मैं आता हूं उसके ऊपर जापान पेशेंस उनको दिया ऑल वी नीड इज दैट तो हमारे पास सबसे अच्छी बात क्या है वी आर नॉट रनिंग अ ब्लाइंड आली हमारे पास हमको पता है भाई भाई जापान ने काम चलो भाई, तीस सालों में किया क्योंकि हमें डायरेक्शन पता है हमें आइडियोलॉजी पता, पता है हमारे पास पैसे हैं भाई यूज करो ना यार फुटबॉल में पैसा लगाओ थोड़ा सा यार कमाओन क्यों नहीं करोगे भाई स्टेडियम बनाओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाओ अच्छे कोचेज लाओ वो बात है अलग हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है डायरेक्शन पता है ब्लाइंड एली नहीं है तो वी कैन कट शॉर्ट दैट टाइम हाउ हम उसे बीतीस साल को हम दस बारह पंद्रह साल कर सकते हैं भाई यहाँ पे निष्ठा होनी चाहिए इराक की बात करें अगर तो इराक भी भाई एक टॉप टीम है उनका तुमने कॉम्पिटिशन देखा वो किन टीम के अगेंस्ट खेलते हैं वो खेलते हैं रशिया के अगेंस्ट और वो हारते हैं वो खेलते हैं ओमान के अगेंस्ट वो हारते हैं वो कत्तर के अगेंस्ट खेलते हैं वो हारते हैं वो साउथ कोरिया के अगेंस्ट खेलते हैं वो हारते हैं पैटर्न समझ रहे हो क्या वो शाई ऑफ कर रहे हैं इन मैचेस में खेलने से नहीं उन्होंने ये सारे मैचेस खेले वो ये सारे मैचेस में से टॉप क्वालिटी मैचेस हारे कल उन्होंने जापान को टू वन हराया बेनिफिट कहाँ उनको मिला तो क्या उस दिन जब उन्होंने ओमान के अगेंस्ट हारा था या उस दिन जब उन्होंने मेक्सिको के अगेंस्ट फोर ने हारा था कोलंबिया से वन ने हारा था अगर उनके फैंस टर्न बैक कर जाते और कोच आउट प्लेयर आउट ऐसी चीजें कर देते तो क्या आज उनको इस पूरे हार्डवर्क टेन्योर इन कॉम्पिटिशन का बेनिफिट मिलता नहीं मिलता सो so, भाई लोग एक बुक स्टार्ट करी है फिनिश करिए पढ़ के बीच में छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है एक चीज तुमने नोटिस की होगी कि इंडियन फुटबॉल में ना गोलकीपर्स की कमी नहीं है हमारे जो आईएसएल की टीम्स है ना वो गोलकीपर्स को खिलाती है इंडियन इंडियन गोलकीपर्स खिलाती है पूर्वा चन्पा हो गए धीरज सिंह हो गए हमारे पास रहनेश टीपी हो गए गे, प्रभुकांत गेल हो गए गे, कट्टीमानी हो गए विशाल कैत हो गया हमारे पास टॉप गोलकीपर्स है यहाँ पे आई वुड लाइक टू आस ईगोस्टी मैच की वाई द हेल एवरी सिंगल टाइम वी स्टेक विद गुरप्रीत पाजी क्यों गुरप्रीत पाजी को पूरे टाइम खिलाते हैं जब हमारे पास टॉप क्वालिटी प्लेयर्स है जिनका फॉर्म बेहतर है इसका आंसर पता है क्या है इसका आंसर है डिस्पिरेशन ट्रस्ट मैं ट्रस्ट करता हूं मेरे फ्रेंड को चाहे मेरे दूसरा फ्रेंड कितना अच्छा वो काम कर रहा हो मैं बाइक पे वो अपने क्लोज फ्रेंड को पीछे बैठाऊंगा बिकॉज आई लाइक हिम बिकॉज आई कैन ट्रस्ट हिम आई नो मुझे पता है कि मेरे साथ कुछ गलत होगा बंदा संभाल लेगा तो बट ये फुटबॉल है यहाँ पे बॉल बात फॉर्म की आती है अब जब है इसकी मान लो इंडियन फुटबॉल ये जो हमारा टूर्नामेंट हुआ इससे पहले हमारे पास ना प्री मैचेस हो जाते दो तीन हम फ्रेंडलीज खेल लिए होते इसमें शायद विशाल कैद खेले होते शायद हम पाजी खेले होते तो हो सकता है वो कोच को इंप्रेस किए होते और कोच कहता है यू नो वॉट इन्होंने काम करके दिखा दिया है गुरप्रीत पाजी आप नहीं खेल रहे हो हम इन प्लेयर्स को ट्राई करेंगे आई वॉन्ट इट टू हैपन डिस्परेशन में हमें जो प्लेयर्स के के साथ फेवरेटिज्म दिखाते हैं ये है एग्जिस्ट करता है कुछ प्लेयर साथ करता है अपना है। आकाश मिश्रा को तुमने देखा मेरे भाई उस बंदे की देखी, तुमने। ही, सो हमारे जो गोलकीपर इनको मौका नहीं मिलता इनको मौका कम मिलेगा जब हमारे पास नंबर ऑफ गेम्स बढ़ेंगे तो कुछ होंगे फ्रेंडली तो इन मैच में हम उनको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ट्राई कर सकते हैं देखिए गाइस आप ना एफ एशियन कप में एक्सपेरिमेंट और ट्राई नहीं करोगे आप एक्सपेरिमेंट करोगे फ्रेंडलीज में यार तो एक्सपेरिमेंट करने का मौका टाइम वो है यहां पर नहीं कहोगे चल पाजी जाओ विशाल कैद खेल लो यार नहीं बाबा दिक्कत हो जाएगी क्या पता भाई ना खेल पाए आप ट्रस्ट जिसपे करते हो उसको आप खिलाते हो हर एक कोच का ये एजेंडा है यार हर एक कोच का नॉट जस्ट ईगोस्टी मैच आप जितने कोचेज है उनको उठा लो वो ट्राई टेस्ट अब करते हैं जब उनके पास वो ऑप्शन होते हैं एक बार मिडफील्ड पे आते हैं बहुत जल्दी काल में क्यू वैन नीफ हमारे डीएम पोजीशन पे इतने सारे फॉरनर्स खेलते हैं बट भाई थैंकफुली थैंकफुली हमारे पास जेक्सन है थैंकफुली हमारे पास अपूया है अपूया जेक्सन हमारे पास ये सुरेश जैसे थापा जैसे कुछ प्लेयर्स हैं ना यार जो कि उस पर्टिकुलर पोजीशन को ओन कर चुके हैं हमारे मिडफील्ड सेट है बाबा सेट है अभी यंगस्टर्स जो आ रहे हैं आयुष आयुषे छेत्री का नाम ले लो आप मोहम्मद एमन बहुत सारे प्लेयर्स तुम ज्यादा जानते हो मुसाइस के बारे में ये प्लेयर्स आ रहे हैं इनको डेवलप करना होगा इनको ज्यादा गेम टाइम चाहिए एमन और अजहर खेले क्योंकि लूना को इंजरी हुई जिक्सन को इंजरी हुई अब वो बंदे वापस आ जाएंगे तो कितना गेम मिलेगा इन बंदों को यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो इनको अंडर ट्वेंटी टीम्स में यूथ टीम्स में यूथ लीग में खेलना होगा और ये जो सारे सारी यू डिवीजन की लीग्स हैं ये यू टीम्स है डेवलपमेंट लीग्स हैं आप आप देख रहे हो आई लीग में सेकेंड थर्ड डिवीजन आ रहा है ये अब भी आ रहा है जापान ने 80s 90s में कर दिया अब उनको सक्सेस मिला और हम अब भी स्टार्ट कर रहे हैं सो so, कैसे आंखें खोलिए समझिए चीज़ें हो रही हैं बहुत स्लो हो रही है मुझे पता है बट हो रही हैं I would request AIFF, I would request FSDL, all of these guys to sit together and to say, you know what, guys, potential है अगर पचास प्लेयर की लिस्ट आ जाती तो एक पचास प्लेयर को गेम टाइम मिलना चाहिए और मैं दूंगा गेम्स अच्छे टॉप लेवल के कंपटीशन इंडिया को रेगुलरली खेलने होंगे आई एस एल में जो गेम्स है नंबर ऑफ गेम्स बढ़ने होंगे किसी भी तरीके से होना होगा सो so एंड करते हैं इस वीडियो को टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग कि इंडिया को नेक्स्ट अपना सुनील छेत्री कैसे मिलेगा कब मिलेगा बाबा वो तभी मिलेगा ना जब ये जो सारे प्लेयर्स हैं गुरकीरत हो जाए हमारे पास ईशान पंडिता हो जाए जो भी ये स्ट्राइकर्स है यंग प्लेयर्स है ना इनको गेम टाइम मिलेगा तभी होगा अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है यू वुड नॉट सी अनदर सुनील छेत्री अनलेस ये प्लेयर्स बेंच बैठ के सड़ रहे होंगे इनको मौका मिलेगा ये खेलेंगे ये नर्वस होंगे रिमेंबर यार ये 19, 20, 21 साल के सिर्फ बच्चे ही हैं इनको एक्सपीरियंस ये जब तक उस जगह नहीं जाएंगे जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक ये कैसे अपना डिटर्मिनेशन दिखाएंगे सो so, सल्यूट यार यहाँ पर राहुल के को अपने विक्रम प्रताप सिंह को इनके पास वो मेंटालिटी जो दिखती है एंड ये जस्ट ऑन दी ब्रिंक है फर्स्टिंग में ब्रेक करने से और तुम देखना देखना ये लोग जब स्टार्ट करेंगे ना तुम कहोगे भाई ये बेहतरीन प्लेयर्स है हमारे सो गाइस ऑल आउट से इस पूरे वीडियो का कंटेक्स दो चीज थी पेशेंस और मैचेस आपको गेम टाइम देना है अपने प्लेयर्स को समझदारी से समझना है चीजों को इंप्रूवमेंट को ट्रैक करना है अपने प्लेयर्स के बारे में जानना है दोनों तरफ की बातें जाननी है कोच आउट और प्लेयर्स आउट करके किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा यू गॉट टू ट्रस्ट द प्रोसेस लेजिट ट्रस्ट द प्रोसेस अच्छी चीजें हो रही हैं ऑब्जर्व करिए देखिए समझिए फुटबॉल को समझिए नहीं आता मैं हेल्प करूंगा अल्ट्रा एम एस्ट अल्ट्रा एम बेस्ट लोग मुझे गाली दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं दो बनता है बट मैं जो बातें बोल रहा हूं अगर आपको लगता है गलत है तो कोई दिक्कत नहीं बताओ कमेंट्स में बट अगर आपको लगता है सही है शेयर करो उन लोगों के साथ उन लोगों को ये वीडियो दिखाओ जिन लोगों को ये बातें जाननी चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए कॉमेंट्स जरूर से करिएगा अपने ओपिनियंस को मैं मिलता तो हूँ आप लोगों से वेरी सुन तब तक के लिए जय हिंद एंड पीस